हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द पाथ टू सक्सेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग 25 से 30 दिन के अंदर, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुकी है और आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि 15 से 23 दिसंबर के बीच में जो है आपके एग्जाम होने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप आज से काउंट करते हैं तो आपको लगभग 25 to 30 डेज में आपको पूरा सोशियोलॉजी अच्छी तरह से तैयार करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर अब किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए अगर हमारा एम जेआरएफ है तो लास्ट मोमेंट में, यानी जब आपके पास 20 से 25 दिन या 30 दिन बचे हुए होते हैं तो आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, यही हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए कि टाइम काउंट कर लीजिए, 2 दिन छोड़ दीजिएगा एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले। मान लीजिए आपने इस वीडियो को जब से देखा है तो आपके पास 25 डेज इन ऑल बचे हुए हैं, ठीक है, 25 डेज। तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपके पास 23 डेज है। सबसे पहले तो आप ये काम कर लीजिए कि आप एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए अपने अनुसार, टाइम टेबल कि आपको 23 डेज में पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक। और फिर उसके बाद आप पर डे, अगर मान लीजिए कि 6 आवर आप तैयारी करते हैं पर डे, आप 6 आवर देते हैं, सपोज कीजिए कि आप सिर्फ 6 आवर पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप 2 घंटे क्या करेंगे, अपने ऑप्शनल की तैयारी कीजिए, यानी कि जैसे आपका ऑप्शनल मान लीजिए कि सोशियोलॉजी है तो पेपर 2 की तैयारी कीजिए, 2 घंटे आप दीजिए पेपर 1 को, ठीक है। अब जो बचे हुए 2 घंटे बचते हैं आपके पास, जो लास्ट का 2 घंटा बचा हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, एमसीक्यूज करना है। इन एमसीक्यूज में आपको यह डेफिनेट करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको 100% करने ही करने हैं। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से समय बच जाए, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, तो जो यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी एग्जाम सोशियोलॉजी से रिलेटेड हुए हैं, कोई भी एग्जाम सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, चाहे वो टिस्ट क्यों ना हो, चाहे वो पीएचडी से रिलेटेड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्यों ना हो, आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। और जो देखिए हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप पर भी बहुत सारे जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उनको भी सॉल्व कर लीजिए। और अगर किसी यूट्यूब पर या कहीं पर भी आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं उनको भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब आप लास्ट मोमेंट में तैयारी करते हैं तो आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएं आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो क्या है, ये तो पहला हो गया समझ लो, ये पूरी बात पहले पॉइंट से रिलेटेड हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेबस। अब क्योंकि आपके पास 25 से 30 दिन है तो आप लोग उन चीजों पे फोकस कर सकते हैं जो आपकी स्ट्रांग है और जिसमें आप एवरेज हैं। तो ये आप अच्छी तरह से उन यूनिट्स को डिफाइन कर लीजिए जिसमें आप स्ट्रांग हैं, वो यूनिट देख लीजिए, और जिसमें आप एवरेज है, जो बिल्कुल यूनिट आपको नहीं आती है उसको थोड़ा बहुत पढ़ करके चले जाइएगा, ठीक है। और मेरा एक वीडियो वायरल है जिसमें मैंने बताया है कि कौन सी 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स मस्ट टू बी कवर्ड, ठीक है। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो आप लोगों को वहां पर उसकी लिस्ट मिल जाएगी। तो वो 6 यूनिट जो है ना वो आप बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा कि आप छोड़ के चले जाए, उन 6 यूनिट्स को आप सबसे पहले कवर करने की कोशिश कीजिए, समझ गया ना। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है, दिन को लगभग 6 घंटे आप तैयारी करते हैं तो उसको 3 भाग में डिवाइड कीजिए, 2 घंटे आप पेपर 1 को दीजिए, 2 घंटे आप सोशियोलॉजी को दीजिए और 2 घंटे आप रोज डेली एमसीक्यू लगाइए। ऐसे नहीं होगा कि आप सोच लें कि अरे यार नहीं यार मैं 15 दिन पढ़ लेता हूं फिर उसके बाद मैं एमसीक्यू लगाऊंगा, नहीं, रोज का आपका यह काम करना है। क्यों? क्योंकि रोज आपको यह पता चलेगा कि यार इस टॉपिक में मैं वीक हूं, इस टॉपिक के क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मैं सही से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो उन टॉपिक्स को आप पढ़ भी लीजिए और अच्छी तरह से देखते चलिए।
जहां पर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट, तो वहां पे मैं तो हूं ही। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फ्रीली आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7838 5178884। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपका अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, तो मैं आप लोगों की उस क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, तो प्लीज कॉल करना अवॉइड कीजिएगा। मैसेज कर देंगे, मेरे पास समय रहेगा तो मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को काफी फ्रूटफुल होगा और आप लोगों को ये वीडियो काफी हेल्प करेगा आपके ड्रीम को अचीव करने में ये वीडियो सहायक होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका भला हुआ, आप दूसरों का भला करते हैं तो आपका और भला होता है। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। याद रखिएगा, 6 इंपॉर्टेंट यूनिट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा।